हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग बीपीएससी का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, डबल ए ओ का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसका एग्जाम जो हुआ है वो हम लोग का हुआ है 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2022 को हुआ है। तो ये हम लोग को 67th बीपीएससी जो होने वाला है री एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको 100% करके ही जाइए, आपको पता चल जाएगा। पहले हम लोग 1 से 15 तक देखेंगे और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आपको देखने में अच्छा लगे। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप 100% यही कीजिए, ज़रूर क्वेश्चन देख के जाइए, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अभी पैटर्न क्या बीपीएससी फॉलो करने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 2021, ठीक है। और ये सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग हिंदी में देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो ये आंसर भी जो बच्चे हैं वो सही मारे हैं, ये हो जाएगा बी, कौन हो जाएगा, मजहर उल हक, तो 1 का हो जाएगा हम लोग का बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था। ऐसे इसमें सब में देखा हो तो फरवरी 1921 लिखा हुआ है, बट आंसर हम लोग का यही होगा, महात्मा गांधी, यानी बिहार नेशनल कॉलेज और उससे संबंधित उसके भवन बिहार विद्यापीठ उद्घाटन फरवरी 2022 में किसने किया था, महात्मा गांधी थे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, ये हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। अगर प्रथम मुख्यमंत्री का बात आएगा तब तो श्री किस चीज होगा, क्योंकि शुरुआत में हम लोग का बिहार का गवर्नर इन्हीं को बुलवाए थे, मोहम्मद यूनिस को, तो इसीलिए इन्हीं को माना जाता है। इस सारे बुक में दिया हुआ है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, पहले उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, ठीक है। तो ये मोहम्मद यूनिस ही है, उसके बाद ये रिजाइन नहीं का वो कर दिए थे, उसके बाद हम लोग का जो बिहार के कृषि हैं उन्होंने बनाया था। तो ए हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा, मोहम्मद यूनिस, ठीक है, मोहम्मद यूनिस। अब आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन में साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का, दूसरे YouTube वाले भी नहीं बता पाए हैं, इसका हो जाएगा सी, हुंकार। नेट पे आप सर्च कीजिएगा, मिल जा रहा है, हुंकार 4 का क्या हो जाएगा, हुंकार। और इंग्लिश में इसे हम 4 को देख लेते हैं, का द नेम ऑफ द हिंदी वीकली विच वॉज द माउथ पीस ऑफ द एग्रेकेरियन एंड पीसन मूवमेंट इन बिहार इन 1940 वाज, ठीक है। तो ये हम लोग का हुंकार, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी बोल देता हूँ। और ऐसे भी ये जो है इसको कौन किए थे, पंडित यमुना कार्जियन राहुल संस्कृत, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद के फ्लोवर थे। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में, 4 हो गया, इधर देख लेते हिंदी वाला 5, ठीक है। 5 में है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका नियंत्रण हुआ, चरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी। भाई इसमें नरमपंथी होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, क्या होगा, सी, मॉडरेट का हो गया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, कब हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में। उसी के स्वराज शब्द को डिफाइन करने के लिए ये लोग चाह रहे थे, नरम दर वाले चाहते थे कि बंगाल तरख ही रहे, और गरम वाले चाहते थे कि पूरा इंडिया में फैले। इनमें विचारिक मतभेद हो गया और सूरत विभाजन हो गया 1907 में, और 1916 में फिर इन्हों में सब लोग मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन में,
कहाँ, लखनऊ, 1916 में फिर सब लोग मिल गए। तो ये हो जाएगा कौन, सी, पांच का क्या हो जाएगा, सी, नरमपंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो मुस्लिम अध्यक्ष तीसरा जो कांग्रेस अध्यक्ष बने तो कौन, बदीउद्दीन तैयब जी, तो कौन हो जाएगा, बी, बदीउद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और तीसरा अध्यक्ष थे, पहला था डब्ल्यू सी बनर्जी, दो दादाभाई नौरोजी जी और तीसरा थे बदीउद्दीन तैयब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो यह मोहम्मद इकबाल, कौन किया था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में इलाहाबाद अधिवेशन पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करा चटगांव सशस्त्र हमला किसने संगठित किया था, ये सूरी सेन, ये सही मारा है, सूर्य सेन, आठ का हो जाएगा बी, आइए तो आप लोग को सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं सारे को हिंदी में ही देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हिस्ट्री हिंदी में ही पढ़ना चाहिए। करण निम्नलिखित में कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा भाई सत्यवादी, अहिंसा, निडरता, संयम, तो सबको पता है कि सत्य और अहिंसा, ठीक है, सत्य और अहिंसा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वन वन एंड टू, तो आंसर हो जाएगा ए। इसको आगे थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य और अहिंसा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें आंसर हो जाएगा वन एंड टू, ए आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग आते हैं दस पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्राधिकरण के स्थगित करने का अधिकार देता था, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, इसके बाद जलियांवाला बाग भी रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था, ठीक है, सी, कौन, क्या हो जाएगा, सी, बड़ा करके भी देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षों को स्थगित करने का अधिकार देता था, रॉलेट एक्ट, लॉरेट अधिनियम, रॉलेट अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, ठीक है, तो आगा खां, और ये मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 में, कब हुआ था, 1906 में, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, इस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेस में ही, समझिए कि कांग्रेस का ही पार्ट था मोहम्मद अजम, हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का इनको माना जाता था, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, तो 11 का क्या हो जाएगा, ए आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा है मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो है मोपला विद्रोह ये हम लोग का खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, कब हुआ था, 1921 में, और किसका परिणाम कह सकते हैं, खिलाफत आंदोलन का, किसका परिणाम कह सकते हैं, खिलाफत आंदोलन का, ये भी कह सकते हैं मोपला विद्रोह में जो 1921 में हुआ था, इनफैक्ट में यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो ये कृषि के चलते हुआ था, तो इसके जो धनी वर्ग थे वो हिंदू थे और काम करने वाले मुस्लिम थे, तो इसी के चलते ये विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हम लोग का, ठीक है, तो 22 के बाद क्या हो जाएगा, सी, खिलाफत आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाथकरती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ, ठीक है, तो ये सही किया है गणेश वासुदेव जोशी, और सबका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, 13 का बी, गणेश वासुदेव जोशी, और देखिए सबका 100% आंसर सही है, 100% एक भी गलत नहीं है। स्वदेश बाधव समिति का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो ये बेचारा बी गलत माना है, इसका क्या होगा, अश्वनी कुमार दत्त, 14 क्या क्या हो जाएगा, ए, अश्वनी कुमार दत्त। फिर हम लोग कहा 15
करा बिहार में स्थापित सुधार दल की शाखा का संयोजक कौन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। देखिए बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था तथा कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए थे। ठीक है, इसके नेता बनाए गए थे। तो यही स्वराज दल की शाखा का संयोजक है, कौन? श्री कृष्ण सिंह। देखिए ये इतना तक हम लोग कर लिए, टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे इसके बाद करेंगे। और बीपीएससी 67th बीपीएससी दे जाने से पहले एकदम 100% देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए थैंक यू, गुड नाइट। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझसे 100% पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा 100% आपका जवाब देने का।